शाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद शालू। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अपनी फेवरेट और झटपट बन जाने वाली रेसिपी बनाने जा रही थी, जिसका नाम है चिली गार्लिक पराठा। बहुत ही टेस्टी और बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं अपने गार्लिक स्पाइस पराठे में पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये मैंने 1.5 कप आटा लिया था, उसको मैंने नॉर्मल गूंद लिया है। और ये मेरा 1/2 चम्मच करीब इसमें नमक है। 1/3 स्पून मेरा रोस्टेड जीरा पाउडर है, ऑप्शनल है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। और ये मेरे 6-7 गार्लिक क्लोव्स थे, छोटे साइज के थे मेरे, उन्हें बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। मेरी 2 छोटी सी ग्रीन चिलीज थी, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। मैंने आधी शिमला मिर्च ली, एकदम बारीक चॉप कर लिया। आप ग्रेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ऑप्शनल है। आप ना डालना चाहें आपसे ग्रीन चिली, गार्लिक और हरा धनिया हो तो वो भी बारीक बारीक चॉप करके आप ऐड कर सकते हैं। ये मेरा 3 बड़े चम्मच के करीब बटर है, मैंने एक बोल में डाल लिया है। ये मेरी पिज़्ज़ा सीजनिंग है और ये मेरी चिली फ्लेक्स हैं। चिली फ्लेक्स तो इसमें जाएगा, पिज़्ज़ा सीजनिंग ऑप्शनल है, थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं डालूंगी। और ये मेरा घी है, घी को मैं अभी इसमें ऐड करूंगी अपने इसमें बटर वाले बोल में। मेरा 3 चम्मच के करीब बटर है, तो मैं इसमें 2 से 2.5 चम्मच करीब मैंने घी डाल लिया है। घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं इस तरह से, बट बहुत अच्छा जब हम इस पर लेयरिंग करने के लिए लगाते हैं पराठे पे तो बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। और अभी मैं अपना जीरा और सॉल्ट डाल देती हूँ। सॉल्ट मैंने कम इसलिए लिया है क्योंकि बटर मैंने अच्छी खासी मात्रा में डाला है, उसमें भी सॉल्ट होता है। अब मैं अपना इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग ऐड कर देती हूँ, 1/2 टीस्पून के करीब डाल दी है मैंने। और अभी मैं अपना चिली फ्लेक्स डाल देती हूँ, ये भी मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। मेरे पराठे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेंगी इसलिए मैं उसके लिए बैटर भी जो मैं लेयरिंग करूँगी उसके लिए ज़्यादा बना रही हूँ। और साथ ही में मैं ये सब भी डाल देती हूँ, मैं बारी बारी करके डाल देती हूँ। आप भी अपने फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग बनाएं पराठे, जितने बनाने उस हिसाब से आप मटेरियल लीजिएगा। मेरी ग्रीन चिली, इन सबको डालने के बाद फ्रेंड्स मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसमें वेजिटेबल्स आप और भी ऐड कर सकते हैं, एकदम बारीक बारीक चॉप करिएगा, अनियन भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके रख लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने एक इस साइज का एक पेड़ा बना लिया था अपने आटे का, थोड़ा सा नॉर्मल रोटी के लिए हम लेते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और उस तरह से मैंने एक पूरी रोटी बेल की तैयार कर ली है। मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे लेयरिंग करना है, कैसे पराठा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो जो हमने मिश्रण बना के रखा था अपने स्पाइसेस का, उसको अच्छे से फैला लेती हूँ मैं इस पर। ये मैं स्क्वायर शेप में बनाऊंगी, आप ट्राइंगल बना सकते हैं, नॉर्मल गोल पराठा भी बना सकते हैं सर्कल में। मैं आपको तीनों तरह के पराठे बनाने बताऊंगी इसके साथ में। अच्छे से मैंने फैला लिया इसको अच्छे से हर तरह। और अभी मैं इसको इस तरफ से फोल्ड करूंगी इस तरह से, और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी इस तरह से, लेके मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा लगा लूंगी। अगेन मैं इसको यहाँ से इस तरह से चढ़ा दूंगी इसके ऊपर, और इस पे भी मैं थोड़ा सा लगाऊंगी। एक एक स्टेप देखिएगा अच्छे से, अगर आप ऐसे ही परफेक्ट स्पाइस पराठा बनाना चाहते हैं तो एक एक स्टेप फॉलो करके बनाएंगे। पराठे के कोने कोने में हमारे स्पाइसेस और गार्लिक बटर सबका टेस्ट आना चाहिए। उसके लिए लेयरिंग कैसे करनी, कब कब लगाना है हमें अपनी जो फिलिंग बनाई है हमने, तो इसको अभी मैं थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ अच्छे से, आटा डस्ट कर लेती हूँ, और इसको स्क्वायर शेप में ही मैं बेल लूँगी। चलिए फिर मैं इसको बेल के रख लेती हूँ।
ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपना चूल्हे पे तवा रख दिया था, थोड़ा हीट था और मैंने पराठा स्क्वायर शेप में कोशिश की अच्छे से बेल के मैंने उस पर डाल दिया है। अब मैं आपको ट्रायंगल में पराठा बनाना बताती हूँ, जब तक मैं इसको सेक लेती हूँ अच्छे से। बेलते वक्त फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से बेलिएगा और आटे को बीच बीच में डस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फिलिंग हमारी थोड़ी गीली है तो वो निकलने लगती है। मैं इस पे हल्का सा घी लगा देती हूँ, आप इस पे कुछ भी लगा, बटर में भी सेक सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी सेक सकते हैं, और अगर इस कुछ भी नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल में भी सेक सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं एक दिन आपको विदाउट बटर और घी भी स्पाइस पराठा बनाना बताऊंगी, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। अच्छे से मैं सेक दूंगी इसको, हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसको सेक लेंगे। फ्लेम मैंने भी लो करी हुई है, मैं लो टू मीडियम कर देती हूँ, टर्न कर लेती हूँ, मैं अच्छे से सेक लेती हूँ अभी इसको, एक दो मिनट लगेगा मीडियम फ्लेम पे, तब तक मैं अपना ट्रायंगल पराठा बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगेन एक और उतना ही बड़ा पेड़ा लिया था, उसका पूरा एक रोटी के शेप में बेल लिया है। अभी मैं इस पे लेयरिंग करूंगी, इसमें मैं हाफ में लेयरिंग करूंगी, पूरे पे नहीं। अच्छे से हमें अपना फिलिंग लगाना है, अगर अच्छा स्पाइसी पराठा हर तरफ फ्लेवर वाला खाना है तो थोड़ा सा अच्छे से लगाइएगा, कंजूसी मत करिएगा। अच्छे से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है, अभी मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर इस तरह से कवर कर देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में उठा के इस तरह से रख, क्योंकि गीला होता है वो चिपक भी जाता है, और नीचे हल्का सा डस्ट रहने दीजिएगा आटे का, इससे वो एकदम से चिपक भी नहीं पाएगा। हल्के हाथों से इसको फैलाया कीजिए जब भी आप बनाएं, बहुत हल्के हाथों से, प्यार से और अपनेपन से कोई भी खाना बनाएंगे हर स्टेप फॉलो करके तो जरूर सबका खाना बहुत टेस्टी बनेगा, परफेक्ट बनेगा। अभी इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मोड़ देती हूँ, अभी मैं एक लेयरिंग और करूंगी, वैसे इतनी भी काफी है, बट मुझे थोड़ा सा ज्यादा लेयरिंग वाला, ज्यादा मसाले वाली चीजें अच्छी लगती हैं, जितना ज्यादा मुझे मसाला मिल जाए, टेस्ट मिल जाए। अच्छे से इसको भी मैं ऐसे फैला लेती हूँ आधे पे, और इसको इस तरह से मैं इस तरह से बस मैं हल्का सा आटा डस्ट करके इसको ट्रायंगल शेप में बड़ा सा बेल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो स्क्वायर शेप का पराठा सेक रहा था उसको मैंने सेक के एक ट्रे में रख लिया है, ये मैंने नेपकिन पेपर लगाया है, इसके लेयर्स मैं आपको दिखा देती हूँ बहुत अच्छे से, कितनी अच्छी लेयर्स बनी है इसमें, यहाँ भी बनी है, इस तरफ भी बनी है, हर तरह से जहाँ जहाँ मैंने अपना जो बैटर बनाया था वो लगाया था, लेयर्स बनी थी। और यहाँ पे मैंने अपने तवे पे फिर से जो ट्रायंगल मेरा पराठा बना था उसको डाल दिया है, और इसको मैं अभी थोड़ा सा टर्न करके फिर इसमें भी हल्का हल्का घी लगा के दोनों तरफ से सेक लेती हूँ मैं। और अभी मैं आपको राउंड शेप का पराठा बनाना बताती हूँ, मैं उसको लच्छे पराठे शेप में बनाऊंगी, तो इसको भी मैं अच्छे से दोनों तरफ घी लगा के सेक देती हूँ। जब तक मेरा ट्रायंगल पराठा अच्छे से सिक रहा है, मैंने यहाँ एक और उतना ही बड़ा साइज का आटे का पेड़ा बना लिया था और उसको बेल लिया है, अभी मैं इसको फिर से बटर लगा के लेयर कर देती हूँ। अच्छे से इस पे बटर जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अभी तक जितना भी हम लेयरिंग करते हैं उसे थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिएगा। और पूरे पे फैला लूंगी बहुत अच्छे से इस तरह से, आपके पास ब्रश हो तो जो स्प्रेड करने वाले ब्रश आते हैं उनकी हेल्प से बहुत अच्छे से फैल जाता है, बट इस टाइप का जो गाढ़ा गाढ़ा बैटर होता है या फिलिंग होती है, स्प्रेड होता है, जो भी होता है, वो स्पून से ही अच्छे से फैल पाता है। तो मैंने अच्छे से हर कोने में इसको लगा दिया है। अभी आप लोगों को याद होगा बचपन में हम लोग स्नैक बनाया करते थे कागज से, इस तरह से फोल्ड करते हुए, बस उसी तरह से फोल्ड करके इसको बना लेना है। इसी तरह से मैं सारा फोल्ड कर लेती हूँ, थोड़ा ऊपर ले लूंगी, कर लिया। अभी इसको इस तरह से राउंड 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 करते हुए ले आऊंगी मैं,
हल्का सा नीचे आटा डस्ट कर लेंगे क्योंकि बैटर नीचे लग रहा है। जो भी बैटर हमारा इधर उधर लग भी गया है कोई बात नहीं, उसको आप उठा के इस तरह से लगा दीजिए, सबसे हो जाएगा। इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड कर दीजिए और अच्छे से प्रेस कर लीजिए। हल्का हल्का आटा डस्ट करते हुए आप इसको बेल लीजिए। ये थोड़ा सा टफ होता है इन दोनों से, लेकिन हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से इसमें आटा लगाना होता है, आटे का जो डस्टिंग होता है वो ज़्यादा चली जाती है। इस तरह से मैं इसी पे डाल देती हूँ, अच्छे से इसको करके हल्के हल्के हाथों से मैं बेल लेती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा ट्राइंगल पराठा भी मैंने सेक के रख लिया है, और मैंने जो अभी अपना राउंड शेप में लच्छा पराठा बनाया था वो अपने तवे पे डाल दिया है। बहुत हल्के हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आटा लगा लगा के मैंने इसको बेला है। थोड़ा सा ये टफ लग रहा था बेलने में, तो ये मैंने अच्छे से इस पे ग्री घी स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं इसको टर्न कर देती हूँ। आपको पराठे लो फ्लेम या लो टू मीडियम, इससे ज़्यादा पे नहीं सेकने हैं, और बीच बीच में चेक करते जाना है कि क्या पराठे के मेरे हाल हैं। बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ना नहीं है। अच्छे से बटर घी ऑयल लगा के हर तरह से सेक लेना है। तो मैंने तीनों पराठे अपने बेल के सेक के तैयार कर लेती हूँ, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे तीनों शेप के पराठे, स्पाइस गार्लिक पराठे बनके तैयार हैं, बहुत ही झटपट और जल्दी। आपने तो सब देखा किस तरह से मैंने जल्दी जल्दी इसमें लेयरिंग करी, सेका और तीनों तरह के आपको पराठे बना के दिखाए। तो चलिए फिर, आप लोग भी बनाइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।